चिप्स बिस्कुट भुजिया के पैकेटों में मौत का खतरा मौजूद है। WHO ने हाल ही में एक स्टेटस रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट ट्रांस फैट को लेकर है। रिपोर्ट के मुताबिक सालाना 5 लाख लोगों की मौत ट्रांस फैट खाने की वजह से समय से पहले हो रही है। ट्रांस फैट क्या होता है? चिप्स बर्गर केक या बिस्कुट या नमकीन में ट्रांस फैट मौजूद रहता है। हर वो पैकेट बंद चीज जिसकी उम्र कुछ दिन से लेकर कुछ महीने तक की हो उसमें ट्रांस फैट मौजूद रहता है। किसी भी तेल को जब इंडस्ट्रियल प्रक्रिया से यानी हाइड्रोजनेशन के जरिए जमाया जाता है और उसे जमे हुए फैट में बदला जाता है वह ट्रांस फैट या ट्रांस फैटी एसिड बन जाता है। जैसे वनस्पति से मिलने वाले तेल को केमिकल प्रोसेसिंग से जमा कर ऐसा कर दिया जाए कि वो रूम टेम्परेचर पर जमा रहे तो वो ट्रांस फैट कहलाएगा। वनस्पति घी ट्रांस फैट का ही एक प्रकार है। कच्ची घानी वाला सरसों का तेल ट्रांस फैट नहीं है लेकिन वनस्पति घी या मेयोनीज ट्रांस फैट है। देसी घी या मक्खन ट्रांस फैट नहीं है लेकिन 3 बार से ज्यादा तला जा चुका रिफाइंड वाइट ट्रांस फैट बन जाता है। बिस्किट नमकीन चिप्स या पैक्ड स्नैक्स में ट्रांस फैट का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि वो लंबे समय तक जमी रहे और ट्रांस फैट का इस्तेमाल कर उन्हें लंबे समय तक बेचा जा सके और खाया जा सके। ट्रांस फैट शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इससे भी खराब बात यह है कि ज्यादा मात्रा में ट्रांस फैट खाने से शरीर में मौजूद गुड कोलेस्ट्रॉल भी बैड कोलेस्ट्रॉल में बदलने लगता है। भारतीयों को दिल की बीमारी देने में ट्रांस फैट्स का बड़ा रोल है क्योंकि आजकल कई बार का तला समोसा चिप्स नमकीन बर्गर पिज्जा खाने का बहुत प्रचलन है। इसके द्वारा ट्रांस फैट शरीर के अंदर आसानी से पहुंच जाता है। ट्रांस फैट ब्लॉकेज बहुत जल्द करता है जिसके कारण हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम उम्र में उत्पन्न होने लगती है। WHO की रिपोर्ट क्या कहती है? WHO के लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 5 अरब लोगों का जीवन ट्रांस फैट ने घटा दिया है और वो दिल की बीमारी के खतरे पर जी रहे हैं। 2023 तक ट्रांस फैट खाद्य पदार्थों से पूरी तरह खत्म किए जाने की कोशिश की गई थी। 43 देश इस मामले में आगे बढ़े हैं जिसमें भारत भी शामिल है। WHO के मानकों के हिसाब से ट्रांस फैट की मात्रा प्रति 100 ग्राम फैट में 2 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डॉक्टरों के मुताबिक ट्रांस फैट की हमारे शरीर को कोई जरूरत नहीं है। यह पूरी तरह से बैन हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। RDA के मुताबिक एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए प्रतिदिन नमक 5 ग्राम, फैट 60 ग्राम, ट्रांस फैट 2 ग्राम, प्रोटीन 80 से 90 ग्राम तथा कार्बोहाइड्रेट 250 से 300 ग्राम की मात्रा तय की गई है। यह रोजाना लगभग 2000 कैलोरी की जरूरत के हिसाब से तय किया गया है क्यों बच्चों की जरूरत इससे बहुत कम होती है। 2019 में CSI ने ट्रांस फैट का एक रियलिटी टेस्ट किया था जिसमें कई मशहूर ब्रांड के चिप्स और भुजिया के पैकेट में ट्रांस फैट का पता लगाने के लिए लैब में एनालिसिस किया गया। इसमें पता चला कि अगर आप 30 ग्राम का चिप्स का पैकेट खा गए तो समझिए कि अपने दिन भर के कुल फैट का लगभग आधा हिस्सा खा लिया है और वो भी ट्रांस फैट की शक्ल में। नट क्रैकर चिप्स और भुजिया इन सब में जरूरत से ज्यादा फैट पाया गया था। अतः आपको महसूस होने लगा होगा अपने देश में कम उम्र के एडल्ट को हार्ट अटैक की समस्या क्यों हो रही है।